हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पोर्टल के अंदर। सो दोस्तों, हमने अब तक क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 के क्लास 10th के चार क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। सो आज जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, और इसके अंदर भी कुछ नहीं है, सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए जो अब तक हम करते आ रहे हैं वही करना है। बस डिफरेंस इतना है कि जो हम अब तक a या a स्क्वायर को प्रूव करते आ रहे थे वो अब a क्यूब को प्रूव करना है। सो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है। सो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो हमें क्या कहना चाहता है, देखिए ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4th की तरह ही है। इसमें क्या चेंज किया गया है, देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके आपको शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि उसमें क्या था, उसमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर था। यहाँ पे दोस्तों क्यूब कर दिया गया, मींस वहां पे ये स्क्वायर कर रहे थे और यहाँ पे एक क्यूब कर देंगे। अब देखिए कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे, मींस ए का जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा, इज आइदर ऑफ द फॉर्म, कि वो या तो किस फॉर्म में आएगा, 9m की फॉर्म में या 9m+1 की फॉर्म में, या उस नंबर को 9m+1 की या 9m+8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां पर m क्या होगा, इंटीजर, और इंटीजर m मींस 500, 200, 400, 800 कुछ भी हो सकता है m की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या करना है कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर a = bq + r लिखते थे वहां पे a क्यूब को फॉलो करना है। अब देखिए भाई सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन वही है जो अब तक लिखते आ रहे हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा, सबसे पहले हमें लेट करना है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव, हमें सबसे पहले ए को एनी पॉजिटिव इंटीजर लेट करना है, इंटीजर, एंड बी की वैल्यू क्या लेट करते हैं, देखिए बी की वैल्यू दोस्तों आप तक हम क्या लेट करते आ रहे हैं, बी की वैल्यू हम वही लेट करते हैं जो कि हमें प्रूव करना होता है। जैसे कि अब तक हमें 3m या 3m+1 की फॉर्म में प्रूव करना था तो हम b की वैल्यू को 3 मान रहे थे, अब यहाँ पे 9m के टाइप में फॉर्म में प्रूव करना है तो हम b की वैल्यू को 9 मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 9 मानेंगे तो आपको पता है कि जो r की वैल्यू है वो 0 से लेके 8 तक पुट करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 9 की जगह पे 3 ले लूंगा। आप कहेंगे सर 3 क्यों, क्योंकि बेटा इसमें क्या है कि 3 का क्यूब करेंगे ना तो 27 आएगा जो कि 9 के मल्टीपल में चला जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, 3 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 3 से हमारा क्या है कि जो आंसर है वो शॉर्ट एंड स्वीट आने वाला है, बिल्कुल छोटा सा आंसर आएगा। आप देखिए b की वैल्यू 3 पुट कर ली। आप देखिए हमें क्या करना होता है कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम क्या करते हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a को आप क्या कर सकते हैं, bq+r की फॉर्म में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जहां पर r की वैल्यू क्या होती है, अब देखिए b की वैल्यू यहां पे वही 3 है तो मैं क्या कर लूंगा, यहां पे 3q+r की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब देखिए जहां पर r की वैल्यू क्या होती है, r इज सच दैट, कि r की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर, बिल्कुल ठीक है, r की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, और 3 से छोटी होती है वही। प्यारे बच्चों आप देखिए अगर 0 से बराबर या बड़ी और 3 से छोटी होगी तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, r की पॉसिबल वैल्यूज क्या आने वाली है, 0, 1 एंड 2। देखिए 0, 1 एंड 2 आ गई, अब क्या करते हैं इस 0, 1 एंड 2 को इस r की जगह पुट करना है, बस सिंपल। अब देखिए ऑन पुटिंग r इज इक्वल्स टू 0, अब r इज इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, कीजिए भाई फटाफट, r इज इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए और a इज इक्वल्स टू 3q+ क्या लिखना है, 0 लिखना है। सो ऑन पुटिंग r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो क्या आता है, a इज इक्वल्स टू 3q+0। अब 0 को भाई मैं लिखूं या ना लिखूं बराबर सी बात है। अब देखिए ध्यान से कि a इज इक्वल्स टू 3q आ गया हमारे पास, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे जो हमें प्रूव करना है वो a को प्रूव नहीं करना है, इसके क्यूब को प्रूव करना है। सो ऑन क्यूबिंग
बोथ साइड क्यूब कर दीजिए, तो क्यूब करते हैं तो क्या आता है ए क्यूब। भाई दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाई करता है कि अगर ए क्यूब करूंगा तो 3q का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, और 3q का क्यूब क्या आता है 27q³। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूं कि 27 को लिख सकता हूं 9 × 3q³। आप देखिए 9 × 3q³ लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 9 × 3 = 27 और q³ है ही। आप देखिए ये क्या है, ये कंप्लीट एक इंटीजर है, क्योंकि q एक इंटीजर है और 3 एक इंटीजर है, और q का क्यूब करके जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आने वाला है वो भी एक इंटीजर ही आने वाला है। सो मैं इसको क्या करता हूं, इसको सपोज कर लेता हूं, लेट अस सपोज 3q³ = m, सो आंसर क्या आ जाएगा 9m, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q³, ठीक है ना। अब देखिए मैंने a को 3q की फॉर्म में लिखा, r = 0 पुट किया, और a क्यूब को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं 9m की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ r की जगह क्या पुट करना है, r की जगह प्यारे बच्चों अब पुट करना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ r सेकंड, जो सेकंड पॉसिबल वैल्यू है r की वो पुट करनी है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज r = 1। सो नाउ ऑन पुटिंग r = 1 what we get, a is equals to 3q+1, और अब क्या करेंगे, a को तो प्रूव करना नहीं, प्रूव किसको करना है, a क्यूब को। so on cubing a क्यूब is equals to 3q+1 का whole cube, whole cube का जो identity खोलेंगे, ये क्या आ गया a + b का whole cube। अब इसकी identity खोली, identity खोलने पर क्या आता है, a क्यूब 27q³ प्लस b क्यूब क्या 1 का क्यूब 1, फिर क्या आएगा 3a² क्या आएगा 9q² और b क्या है 1 और प्लस 3ab² और 3ab² क्या आएगा 3a क्या है 3q और × 1। आप देखिए a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 27q³, ओके ये लिख लिया, ये देखिए 3 × 9 = क्या आएगा 27, क्या आएगा q² है भाई, × 1 क्या आ जाएगा 27q². अब ये क्या आ जाएगा 3 × 3 = 9q × 1 तो है ही, ठीक है ना। अब देखिए और क्या छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ये 1 छोड़ा हुआ है, इसको मैं एडिशनल 1 को आगे लिख देता हूं। अब देखिए दोस्त, अब क्या है, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर 9 कॉमन आ रहा है। तो देखिए a क्यूब इज इक्वल्स टू 9, टेक इट आउट, देखिए 9 को कॉमन ले रहा हूं मैं इनमें से, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3q³ प्लस 3q² प्लस q अकेला और प्लस 1 तो है ही। आप देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पे 9 × something integer + 1 और इस समथिंग को मैं क्या लेट कर लेता हूं, लेट दिस वन बी m1। सो a क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9 m1 + 1, कि इसको m1 पुट कर दूंगा, लिख दीजिएगा यहां पे वेयर m1 इज इक्वल्स टू 3q³ प्लस 3q² प्लस q, ठीक है ना। तो a क्यूब को मैंने 9m1+1 की फॉर्म में प्रूव कर दिया। अब क्या करना है, r की थर्ड वैल्यू को पुट करना है, और व्हाट इज द थर्ड वैल्यू ऑफ r, तो r की जो थर्ड वैल्यू है बच्चों वो है क्या, देखिए r की जो थर्ड वैल्यू है वो है r = 2, तो r = 2 पुट कर दीजिए। ऑन पुटिंग r = 2 व्हाट वी गेट, r = 2 पुट करते ही देखिए a को किस फॉर्म में लिख सकता हूं 3q+2 की फॉर्म में, ओके दिस इंप्लाइज a क्यूब को किस फॉर्म में लिखूंगा 3q+2 का होल क्यूब, और इसका जब क्यूब खोलेंगे तो क्या आने वाला है, a क्यूब मींस 27q³ प्लस 3ab² 3ab² ab² 3ab² 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस 3a² b मींस 9q² × 2 और साथ में क्या b क्यूब क्या आ जाएगा 8।
अब देखिए a क्यूब को क्या लिखूंगा, a क्यूब इज इक्वल टू 27 q क्यूब, ओके लिख दिया। 3 3 जा 9 और 9 4 जा, ये ओके है ना, 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा 3a स्क्वायर भी लिखिए, 3a स्क्वायर भी तो ये हो गया और 3ab स्क्वायर, ठीक है भाई। 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 क्यूब, ओके। आगे देखिए ये क्या आएगा, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर, ओके। और 8 है ही। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 8 के इधर वाला पार्ट है इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर 9 कॉमन आ रहा है। देखिए बिल्कुल आसानी से दिख रहा है हमें, बड़ी शांति से और बड़े ही प्यार से देखते हैं तो इसमें 9 कॉमन दिखता है। तो 9 लेंगे कॉमन, तो 9 को एज ए कॉमन फैक्टर इसके अंदर कॉमन ले रहे हैं तो क्या आएगा, 3 क्यू क्यूब। भाई इसके अंदर 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 क्यू क्यूब प्लस 9 4 जा 36, 4 क्यू प्लस 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 8 है ही। आप देखिए इस कंप्लीट को जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं मानने वाला हूं क्या, m2। सो a क्यूब इज इक्वल्स टू m2 प्लस 8। यहां पे हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। सो देखिए क्या हुआ, हमने कुछ नहीं किया, r की जगह 1 पुट किया, 0 पुट किया और 2 पुट किया और उसके अंदर क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल्स टू 3q प्लस r लिखा और r की वैल्यू पुट करते गए और a का क्यूब करते गए और a के क्यूब के अंदर 9 कॉमन आता रहा और जो हमें प्रूव करना था 9m + 1 और 9m + 8 किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को, मींस किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 9m + 1 या 9m + 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब अगली जो आएगी वो क्या आने वाली है, एक्सरसाइज 1.2 और वो हम कल स्टार्ट कर देंगे।